को बताना चाहता हूं कि इस समय जो है छत्तीसगढ़ में सीजी व्यापम ने जारी किया आईटीआई प्रशिक्षण अधिकारी के 920 पदों पर जो है सबसे बड़ी भर्ती। जी हां, इस वक्त की सबसे बड़ी बेहद इंपॉर्टेंट जो है ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट जो है आप सभी स्टूडेंट के लिए निकल कर आ रहा है। 920 पोस्ट है ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ, मैं आपको बताता हूँ। और आपको आवेदन कब करना है, आवेदन करने के लास्ट डेट क्या होगा, क्वालिफिकेशन जो है किस तरीके से होगा, सिलेबस आपको पूरा है सिलेबस और एग्जाम पैटर्न मैं बताऊंगा, कितने क्वेश्चन जो है एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न कितने अंक होंगे, माइनस मार्किंग नेगेटिव मार्किंग किस तरीके से होगा, और आईटीआई प्रशिक्षण अधिकारी एग्जाम्स में अच्छे से नंबर लाने के लिए, एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के लिए कौन से बुक आपको पढ़ना चाहिए, कट ऑफ जो है कितना जाएगा, आपका एग्ज़ाम्स कब होगा, सभी डिटेल्स इस वीडियो में मिलेगा। तो नोटिफिकेशन नया प्रेस विज्ञापित 920 पोस्ट के लिए हो चुका है। अब मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाता हूँ, फिर आप लोगों को एक एक जानकारी मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है भर्ती, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है अपडेट्स आप सभी स्टूडेंट के लिए जो है निकल कर आया। संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण प्रशिक्षण पक्ष इंद्रावती भवन ब्लॉक 4 प्रथम तल नवा रायपुर अटल नगर छत्तीसगढ़ में आज ही के डेट में जो है 13 मई को काफ़ी महत्वपूर्ण जो है नोटिफिकेशन जो है नया प्रेस विज्ञापित जारी किया गया है आईटीआई प्रशिक्षण अधिकारी के। टोटल जो है 920 पोस्ट जो है आप लोग जो है इसमें देख सकते हैं, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण जो है इम्पोर्टेंट पोस्ट हैं। तो पदों का आरक्षण आदि का विस्तृत विवरण जो है आपको व्यापम में जो है मिल जाएगा, और ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है आप सभी स्टूडेंट के लिए जो है निकाले गए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण। तो आप लोग देख सकते हैं कि क्या कुछ बोला गया है। तो राज्य के शैक्षणिक शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण अधिकारियों के जो है विभिन्न 366 रिक्त पदों की पूर्ति हेतु छत्तीसगढ़ के मूल स्थानीय निवासी पात्र अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाने हेतु जो है 366 पोस्ट जो है कुछ दिन पहले जो है जारी किया गया था, 6 मई को समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ था। उक्त विज्ञापन में पदों की संख्या को बढ़ाते हुए पदों का विवरण निम्न अनुसार, तो जो 366 पोस्ट थे उनको बढ़ाकर जो है 920 पोस्ट किया गया। तो देख सकते हैं कि प्रशिक्षण अधिकारी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस में जो है एक पोस्ट है, वही इलेक्ट्रिशियंस की बात करें तो इलेक्ट्रिशियंस के लिए जो है 90 पोस्ट हैं, वहीं कोपा के लिए कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के लिए जो है 242 पोस्ट हैं, वहीं कारपेंटर के लिए जो है 9 पोस्ट हैं, टर्नर के लिए जो है 10 पोस्ट हैं, ड्राइवर कम मैकेनिक के लिए 6 पोस्ट हैं, ड्राफ्ट मैन के लिए मैकेनिकल के लिए जो है 1 पोस्ट हैं, फिटर के लिए जो है 100 पोस्ट हैं, वहीं मशीनिस्ट के लिए 4 पोस्ट हैं, मशीनिस्ट ग्राइंडर के लिए जो 1 पोस्ट है, मेसन बिल्डिंग कंस्ट्रक्टर के लिए 1 पोस्ट है, मैकेनिकल ट्रैक्टर के लिए जो है 3 पोस्ट हैं, वही मैकेनिकल डीजल के लिए जो है 90 पोस्ट हैं, और मोटर मैकेनिक मोटर व्हीकल के लिए 7 पोस्ट हैं, मैकेनिक रिफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर यानी कि रिफ्रिजरेटर जो एंड कंडीशनर्स आपके जो एसी होता है उसके लिए 2 पोस्ट हैं, फिर वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए जो है सबसे ज़्यादा पोस्ट 234 पोस्ट हैं, फिर जो है वायरमैन के लिए जो है 6 पोस्ट हैं, और इसके साथ वेल्डर के लिए जो है 89 पोस्ट हैं, और सीट मेटल वर्कर के लिए जो है 3 पोस्ट हैं, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस अंग्रेजी के लिए 2 पोस्ट हैं, वहीं जो है सिविंग टेक्नोलॉजी के लिए 12 पोस्ट हैं, वहीं हॉस्पिटल हाउसिंग कीपिंग के लिए 4 पोस्ट हैं, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के लिए जो है 3 पोस्ट हैं। तो आप सभी स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है भर्ती आप सभी के लिए निकल कर आ रहा है 920 पदों पर, तो आप इन सभी के लिए अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। देखिए कोपा की अगर हम बात करें कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट सबसे ज़्यादा इसके लिए हैं, और इसके बाद आपके जो है 242 पोस्ट इसके लिए, और वर्कशॉप कैलकुलेशन इन इंजीनियरिंग ड्राइंग के उसके बाद सबसे ज़्यादा पोस्ट है। तो कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा जो आईटीआई कोपा 1 साल का होता है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आईटीआई जिसे शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बोलते हैं। तो देखिए अगर आप इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं, सबसे पहले आपको आपका 12वीं पास होना चाहिए, 12वीं जो है माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर बोर्ड से होना चाहिए। तो यदि आपका 12वीं आपका कंप्लीट हो चुका है, 1 वर्ष का कंप्यूटर्स का डिप्लोमा कोर्स है, 1 वर्ष के कंप्यूटर्स कोर्स में जिसमें यदि आपने आईटीआई कोपा किया है, डीसीए किया, पीजी डीसीए किया, बीसीए किया, फिर आपने कंप्यूटर साइंस किया, तो आप इसके लिए बिल्कुल एलिजिबल हैं, आप आराम से इसके लिए जो है आवेदन कर सकते हैं।
किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होगा, कोई भी प्रॉब्लम्स, कोई भी परेशानी आपको फेस करना नहीं पड़ेगा। और छत्तीसगढ़ में आप जो है इन सभी भर्ती परीक्षा के लिए तैयारी जो है बहुत अच्छे से कर सकते हैं। 920 पोस्ट हैं, 920 पोस्ट जो है कम नहीं होता। जितना ज़्यादा आप तैयारी करेंगे, जितना ज़्यादा आप मेहनत करेंगे, आपको उतनी ज़्यादा आपका सिलेक्शन जो है हो पाएगा, उतनी ही ज़्यादा आपको कामयाबी भी मिलने वाला है। तो ये बिल्कुल भी मत सोचना कि मेरा सिलेक्शन जो है किस तरीके से हो पाएगा, मेरा सिलेक्शन हो पाएगा भी या फिर नहीं हो पाएगा। मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ, आपका सिलेक्शन डेफिनेटली होगा। बस मेहनत करते रहिए, तैयारी करते रहिए, और मेहनत करना बिल्कुल भी कम मत कीजिए, क्योंकि सब कुछ हमारे काम के ऊपर ही डिपेंड करता है, हमारे मेहनत के ऊपर ही डिपेंड करता है, हमारे हार्ड वर्क के ऊपर ही डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा हम मेहनत करेंगे, जितना ज़्यादा हम हार्ड वर्क करेंगे, जितना ज़्यादा हम चीज़ों के बारे में जानेंगे, सीखेंगे, उतने ही ज़्यादा बेस्ट रिज़ल्ट, उतने ही ज़्यादा बेस्ट कामयाबी बेनिफिट हमें मिलता है। सब कुछ हमारे ऊपर डिपेंड करता है। वही डीजल मैकेनिकल की बात करें तो इसके लिए भी 12th पास आउट और आपके पास यदि डीजल मैकेनिकल कोर्स किया वो होना चाहिए, इलेक्ट्रिशियन जो 2 साल का होता है वो होना चाहिए, तो आप इन सभी के लिए आवेदन कर पाएंगे। और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि 28 मई तक जो है आवेदन करने के लिए लास्ट डेट है, आप आवेदन जो है कर पाएंगे, और शायद आपके अगले महीने जो है जून के लास्ट वीक तक आपका एग्ज़ाम्स भी हो जाएगा। अगर हम बात करें किस तरीके से तैयारी करना, तो सबसे पहले तो आपको ग्रामर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश के ग्रामर्स। लगभग सभी भर्ती परीक्षा में ग्रामर्स से भी क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। ग्रामर्स में आपके एग्जाम्स में नाउन, प्रोनाउन, टेंस, वाइस, नरेशन, कंजक्शन, प्रीपोजिशंस, आर्टिकल, डिग्री, क्वेश्चन टैग, वन वर्ड, सब्स्टिट्यूशन, सबऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट, फिनिट वर्ब, नॉन फिनिट वर्ब, प्रेसिस राइटिंग, इन सभी से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। साथ में हिंदी के भी व्याकरण आते हैं, जिसमें आपका स्वर, व्यंजन, अक्षर, वर्तनी, संज्ञा, समास, मुहावरे, लोकोक्तियां, पठित गद्यांश। तो हिंदी के व्याकरण के लिए दिल्ली एस एकेडमी का बुक ले सकते हैं, ताकि आपकी हिंदी के व्याकरण की तैयारी भी अच्छे से हो पाए। तो हर एक चीज़ जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बस आपको मेहनत करने की देरी है, बस आपको तैयारी करने की देरी है। और जितना ज़्यादा आप मेहनत करेंगे, जितना ज़्यादा आप वर्क करेंगे, जितना ज़्यादा आप चीज़ों को जानेंगे, समझेंगे, पहचानेंगे, उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेस्ट होगा। इसलिए अच्छे से मेहनत कीजिए, अच्छे से वर्क कीजिए। साथ में मैसे की बात करें तो मैसे में घातांक अनुपात, सम अनुपात, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, लघु गणक, घन घनाभ, औसत, चाल समय तथा दूरी, इनसे संबंधित क्वेश्चन, इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बस इन सभी से तैयारी कीजिए, और सपने देखो, सपने सच होते हैं। बस तुम्हारे सपनों में जान होनी चाहिए, और उसे पूरा करने के तुम्हारे अंदर वो भरोसा बिलीव होना चाहिए, और अपने आप पर भरोसा करो। आपको ये बोलना चाहता हूँ कि इस दुनिया में आपको आगे बढ़ते हुए कोई नहीं देख सकता, सिर्फ आपके माँ बाप के अलावा। आपके माँ बाप के उम्मीदें आपके ऊपर है, और आप उनकी उम्मीदों को पूरा कर सकते हैं। बस अच्छे से स्टडी करो, अच्छे से प्रिपरेशंस करो, हार्डवर्क करो, और नए नए भर्ती परीक्षा की तैयारी करो। जितना ज़्यादा आप तैयारी करोगे, कामयाबी भी उतनी ही मिल पाएगा। सो आई होप आप लोगों को वीडियोस अच्छा लगा हो। तो 920 पोस्ट जो हम सभी स्टूडेंट के लिए आ चुके हैं, अच्छे से तैयारी कीजिए और मेहनत करते रहिए, संघर्ष करते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी, कामयाबी ज़रूर मिलेगा। और वीडियोस को शेयर करना, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके जाओ।